देखिए बल्क में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता मेरे पास, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 500 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे प्लॉट में। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्लॉट में इन्वेस्ट किए अगर आपका प्लॉट सेल नहीं हो रहा जल्दी तो वो आपकी स्टक हो जाती है अमाउंट। यहाँ पे अगर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी है तो 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में 1 बिलियन वापिस आ जाता है। मतलब आपने क्लिक किया जस्ट वो मोबाइल पे ही पेमेंट को रीबैक करने के लिए, वो फौरन से आपको 2 दिन का टाइम, क्योंकि होता है कि आपका जो शेयर आप बेचते हैं ना वो 2 दिन के बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम से वो निकलता है, किसी और को ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको सारी अमाउंट वापस आ जाती है। तो ये मतलब इसके ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी अमाउंट डूब भी जाती है। तो ये भी वैसे सारी चीजें हमने नेट इन्वेस्टमेंट जैसे होती है वो सेफ के लिए बात है। कौन से सर? एनआईटी। एनआईटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है ना लगभग इस बनिस्पत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर ये भी सेफ है लेकिन डिपेंड करता है कि आपको अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन उसका ना रिटर्न कम है यहाँ पे। रिटर्न इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं पैसा मल्टीप्लाई उसको करूं तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी जरूरी है कि आपको इतना तो हमें पता होता है ना न्यूज क्या चल रही है। मिसाल के तौर पे हमें ये खबर है कि नवाज शरीफ को सजा होने वाली है, ऐसे ही न्यूज जस्ट इसमें ना हम ये कहते हैं वो वैल्यू क्या है कंपनी की, वो इतनी चीजों की अगर ना भी हम करें इतना इशू नहीं है। जब आप मैं यहाँ का पोर्टल वो भी एक नजर दिखाऊंगा कि कितना आसान है, ये सारा कुछ अवेलेबल है। मैं बताने ये लगा था कि जब इकोनॉमी के अंदर कोई भी न्यूज आती है ना उसका तो हमें पता होता है पहले ही। जाके तौर पे हमें पता था कि नवाज शरीफ का पैसा आने वाले, मार्केट डाउन होना शुरू हो जाती है। कोविड का इशू हुआ तो सर आप यकीन करें लोगों ने कोई 300 गुना कमाया कोविड जब स्टार्ट हुआ ना। बिल्कुल मेरे एक दोस्त है जिन्होंने एक शेयर खरीदा 22 रुपए में और उन्होंने जब 66 में सेल किया, उनके पास पता नहीं कितने हजार शेयर थे, तो वो कह रहे थे मैंने गलती कर दी है बेच के। वो शेयर 180 पे गया बल्कि उससे भी ऊपर गया था। अभी आजकल उसका एक और इशू आया हुआ उस कंपनी का जिसकी वजह से थोड़ा डाउन है। जी जी मैं आपको 2013 की एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता था कि सबको ही पता था कि PMLN की गवर्नमेंट आने वाली है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सीमेंट के शेयर जो है ना वो कहीं नहीं गए, बेहतरीन कोहिनूर मैपल लीफ, तो वो उस वक्त को 12 रुपए का शेयर था और इस वक्त आप जाकर उसकी प्राइस देख लें वो 100 से ऊपर चला गया शेयर। मैपल 36 के जी, तो वो जो उस वक्त मैं नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहा हूँ कि 2013 से यानी इलेक्शन से पहले अगर आप उसका रेट देखें और उसके बाद, चूंकि मुझे पता कि जी कंस्ट्रक्शन होनी है तो आगे हर तरफ नहीं, वो जाहिर है PMLN जब आएगी तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऊपर चला जाता है। तो वो बस अनुसूचित के लिए अब तो गिर गया। इसमें से शुरू में इन्होंने ना असल में पहले साल की इनकी पॉलिसीज बड़ी गलत थी। आते इन्होंने वो इन्वेस्टर को डरा दिया, टैक्सेस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा दिया। मतलब इनको ये किसी ने बता दिया कि जो प्रॉपर्टी स्टैम्प पेपर पे होती है वो सपोज 2 लाख की है, असल में वो ट्रेड 20 लाख पे हो रही है, तो आप वो 2 लाख को डबल करो। इन्होंने रेट वो बढ़ाए और बहुत सारा हमारा जो ब्रोकर था ना रियल स्टेट में वो काम ट्रांसफर किए बगैर ही करता था, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। तो वो सारा जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था वो चलता ही प्रॉपर्टी पे, वो डाउन होना शुरू हो गया। तो लोगों ने वहां से भी पैसा निकाल के डॉलर्स में। तो ये क्या आपको ब्रोकर के जरिए आप करते हैं या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट? सर डायरेक्टली असल में पॉसिबल नहीं है, तो ये थ्रू ब्रोकर ही है। आप यही समझ लें कि हर चीज को जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, बैंकिंग सेक्टर है, खरीदना बेचना है तो वो उसको पैसा जाए। देखता तो स्टेट बैंक है लेकिन हमें वो थ्रू कमर्शियल बैंक से ही जाना है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब मैं ब्रोकर के पास अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करता हूँ तो असल में वो फॉर्म भेज देते हैं CDC में,
तो वो चूंकि उसमें पब्लिक है गवर्नमेंट का वो सारा है, तो उसमें अकाउंट ओपन होते हैं, फिर एक सब अकाउंट ओपन होता है मेरे ब्रोकर के साथ। अब जो मेरा रिकॉर्ड बन रहा है वो सारा रैकेट कंपनी के पास भी है, प्लस वो ब्रोकर के पास भी है, और प्लस वो सीडीसी के पास भी है। तो उसकी कोई है ऑनलाइन तरीका या वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का वो हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। आप कुछ और टाइप कर दीजिए मैडम, वो मैं PSX की साइड से ना कुछ चीजें बताना चाह रहा था कि जिससे हम फोरम से देख सकते हैं, लेकिन वो एक मिनट बैक ही चाहिए। और ये डेली का बता रहा है, हम कोई भी जो आप बता रहे थे मैपल लीफ KMLG के अच्छा ये ना, अब फॉर एग्जांपल आप हमने किसी भी सेक्टर को देखना है, दो तीन चीजों को मैं देखता हूँ ज्यादातर, बैंक्स में नहीं करता क्योंकि वो तो फिर सेविंग अकाउंट रख ले। तो ऐसी कंपनी जो शरिया कंप्लायंस में आती है, यानी कि जिनकी प्रोडक्शन वो सारा कुछ पाकिस्तान का जो शरिया कंप्लायंस है उसको हलाल कहा हुआ, तो उसमें अगर ये सीमेंट है। अब ये देखिए यहाँ पे ना एक चीज गिवन है, ये लिखा हुआ है 1D, ये आज की फ्लक्चुएशन है इसकी वेरिएशन जो, ये सारा ग्राफ है और ये बता रहा है आगे हाई लो, और ये ओपनिंग अगर आपने डेली ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए ये 1 month की है। इस स्टॉक मार्केट में पूरी मतलब इंफॉर्मेशन सारी है, इसलिए देखिए 5 साल तक हिस्ट्री की मैंने जो आप कह रहे थे 2013 आप 2013 बता रहे थे ना, नहीं वो है नहीं 132 ये मैं कह, तो ये फ्लक्चुएशन इसमें इसमें जो न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो डिविडेंड बेस्ड है, ताकि अगर उसकी प्राइस फ्लक्चुएट भी करती है ना, क्योंकि प्रॉफिट दो तरह से है यहाँ पे, एक ये कैपिटल गेन है कि इसकी प्राइस 40 हो जाती है तो एक ये गेन है, दूसरा गेन वो है जो कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड जिसको हम कहते हैं। नहीं सारी नहीं करती, वो कैसे बता रहे वो उसके लिए ये भी कम। अच्छा इसमें एक दो चीजें और हैं जो देखनी है, ये तो इसका वॉल्यूम है, एक तो शेयर का वॉल्यूम अच्छा हो ताकि जब आप उसको सेल करना चाहें तो वो फौरन सेल हो जाए, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ना इसी में ही ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं, फिर ये है सेल इसकी 2021 में, फिर इसका प्रॉफिट और ये अर्निंग पर शेयर, मतलब ये इनको अच्छा खासा वो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ये डिविडेंड नहीं दे रहे। अब डिविडेंड मैं जो देखता हूं उसके लिए एक अलग से साइट है, एग्रो फर्टिलाइजर है, अभी तक क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरे पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो एग्रो फर्टिलाइजर है। तो पता कैसे लग रहा है कि मैं सर एक मिनट ये SCS ट्रेड ये ब्रोकर है, ये वो है स्टैंडर्ड कैपिटल ब्रोकर है, अपने सिस्टम पे ये है कि वो एक ही दफा बुकमार्क लग जाता है, यहाँ पे सर्च के अंदर लेना वैसे लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा सर ये जो इनकी बताओ लास्ट अर्निंग पर शेयर नहीं यहाँ पे ना इस एक न्यूज में एक आता है, लेकिन मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में अगर, लेकिन यहाँ पे ना इस में इसमें डिटेल है पूरी उसके हिस्ट्री सारी है पिछले 15-20 सालों की कि कब कब कंपनी डिविडेंड देती है, और ये देखिए सर लास्ट डिविडेंड जो है लेटेस्ट डिविडेंड इनका टोटल पिछले 3 quarters का जो इन्होंने दिया है ना क्वार्टरली होता है 3 month के बाद, ये ₹11.50 है पर शेयर, और शेयर की वैल्यू शेयर की वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है 75 के अराउंड।
मतलब आप अगर इसका फाइंड करें कि 75 पे ये वैसे डिविडेंड है ना सालाना थर्ड वाला जो वो तीन क्वार्टर के 13 रुपए इनका 13 से 14 15 रुपए इनका डिविडेंड सालाना बनता है यानी कि साल में 4 दफा है तो अगर इसको कैलकुलेट हम करें 13/75 अभी उसकी वैल्यू है तकरीबन 3000 रुपए पर शेयर तकरीबन 17% ये बन रहा है ना 13/75 वो लिखा हाँ वो ये 17% तकरीबन डिविडेंड है तो ये इसका कैपिटल गेन भी है और इस तरह की कंपनीज में ना वो नहीं इशू होता कि प्राइस गिर जाएगी तो लॉस हो जाएगा।